बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और पुराना किस्सा हम आपके सामने आज लेकर हाजिर हुए हैं। कई ऐसी फिल्में रही हैं जिसमें मल्टी स्टारर स्टार्स ने काम किया है, लेकिन कोई एक अदाकारा या अदाकार ने उस फिल्म में इतना अच्छा अभिनय किया कि आज तक उन्हें लोग याद करते हैं। ऐसी एक फिल्म के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म थी नागिन। जी हाँ, यह फिल्म साल 1976 में रिलीज हुई थी। इच्छाधारी नाग नागिन के कंसेप्ट पर बनने वाली यह फिल्म सबसे पहली फिल्मों में से एक मानी जाती है जिसमें 11 सितारों को एक साथ फिल्म में देखा जा सकता था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी। सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान, रेखा, मुमताज, कबीर बेदी, विनोद मेहरा, अनिल धवन, योगिता बाली, प्रेमा नारायण, रंजीत, प्रेमनाथ, अरुणा ईरानी, जगदीप, टुनटुन, सुलोचना और अनीता गुहा जैसे सितारों ने इस फिल्म में दमदार अभिनय किया था। लेकिन आज जिस सितारे की हम बात करने चाह रहे हैं उनकी ये पहली स्टारर फिल्म थी, यानी कि उन्हें इस रोल में इतनी अच्छी जान डाल दी और यह उनकी बॉलीवुड की सबसे पहली मूवी थी और उनको आज भी इस फिल्म के रोल के लिए याद किया जाता है। यूँ तो जिसने भी फिल्म नागिन देखी होगी उन्हें पता ही होगा कि यह पूरी फिल्म रीना रॉय के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का शुरुआती सीन से लेकर अंत तक रीना ने जो एक्टिंग की है वह देखते ही बनती है। फिल्म में उनका हंसना जितना लोगों को कातिलाना लगा उतना ही उनके दर्द और आंसू देखकर दर्शकों का दिल भी दहल गया था। रीना रॉय की यह पहली फिल्म थी जिसमें वह खलनायिका बनी थी और लेकिन दर्शकों ने उन्हें फिल्म का हीरो और मेन एक्ट्रेस का खिताब दे दिया था। आपको ये बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जिस किरदार से रीना रॉय दर्शकों पर छा गई थी उस रोल को बॉलीवुड की कई हाई पेड एक्ट्रेस ठुकरा चुकी थी, उनमें से एक रेखा भी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेखा ने इस फिल्म में काम जरूर किया लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस नहीं, क्योंकि रेखा नागिन का रोल नहीं निभाना चाहती थी। हालांकि वो इस फिल्म में काम जरूर करना चाहती थी, इसलिए उन्हें राजकुमार कोहली से सुनील दत्त की प्रेमिका का कैरेक्टर निभाने की बात कही। राजकुमार कोहली ने रेखा को वो कैरेक्टर भी दे दिया, लेकिन बाद में जब फिल्म रिलीज हुई और उसकी सक्सेस को देखकर रेखा को ये ज़रूर अफसोस हुआ कि काश ये नागिन का रोल मैंने कर लिया होता। और ये भी माना जाता है कि जैसे ही फिल्म रिलीज हुई उसकी सफलता सामने आई तो इन दोनों हीरोइन के बीच में काफ़ी लड़ाइयों की भी बातें सामने आई। रीना रॉय पहली ही फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। कई बार ऐसा होता है कि रोल किसी और को ऑफर किया जाता है और कोई और इसमें बाजी मार लेता है और वो फिल्म इतनी हिट होती है कि वो एक्टर भी रातों रात सुपरस्टार बन जाता है और इस बात का अफसोस कई बार एक्टर्स को बाद में होता भी है। तो इस तरह रीना रॉय ने अपनी पहली ही फिल्म से लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी थी, यानी कि एक नई एक्ट्रेस का जन्म हो चुका था बॉलीवुड में। तो इस कहानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही चटपटी और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।